चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट काउंसलिंग को जल्दी स्टार्ट करने को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर थे, ये हम सब जानते हैं। इन सब को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर भी लिखा था कि इस मैटर की जल्दी हियरिंग की जाए, और डॉक्टर्स को आश्वासन भी दिया था कि हम जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए आवश्यक स्टेप्स उठाएंगे। इसी को देखते हुए होडा ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि देश में सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए हम इस एजिटेशन को 1 वीक के लिए होल्ड कर रहे हैं। हम सभी सर्विसेज इमीडिएट इफेक्ट से रिज्यूम कर रहे हैं। अगर इसमें ये भी कहा गया है, इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है कि अगर 16 दिसंबर 21 तक ये इश्यू रिजोल्व नहीं किया जाता है तो हम पूर्णतया सभी सर्विसेज से शट डाउन कर देंगे। तो ये एक फोर्डा की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया है। अभी ये आने वाला 1 वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी वीक के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होके मैटर को रिजोल्व किया जाता है तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसी वीक में 16 दिसंबर से पहले कुछ नहीं होता है तो फिर 19 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट की जो छुट्टियां हैं वो आ जाएंगी, और उसके बाद में 3 दिसंबर से ही थर्ड ऑफ जनवरी 22 से सुप्रीम कोर्ट ओपन होंगे। उसके बाद ही वो 6 जन के बाद ही आगे हियरिंग होगी। तो ये इसी वीक के अंदर होना है। अगर इसका केस का सॉल्यूशन हो जाता है तो इसी वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसी वीक में कुछ नहीं होता है तो फिर ये काउंसलिंग 6 जनवरी 22 के बाद ही स्टार्ट हो पाएगी। 6 जनवरी को क्या डिसीजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं इस वीक में क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होती है, क्या आगे अपडेट रहता है। तो जैसे भी अपडेट होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।